हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर कमर की गठिया के बारे में बात करूंगी। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे, क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कितना अच्छा रोल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एंकाइलोजिंग एंड स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग का मतलब होता है स्टिफनेस या फिर फ्यूजन, मतलब जकड़न या फिर जुड़ाव। इसके अलावा जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसका मतलब होता है स्पॉन्डिन, मतलब स्पाइन से रिलेटेड, और आइटिस जहाँ भी वर्ड यूज होता है, किसी वर्ड के आगे आइटिस लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको आइटिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव सेरोनेगेटिव इन्फ्लामेटरी स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी होती है। यहाँ क्रोनिक का मतलब है जो बीमारियाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जाता है, और सेरोनेगेटिव जहाँ पे आपको जो रूमेटाइड फैक्टर होता है वो निगेटिव आता है, इन्फ्लामेटरी जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन हो रखा है, मतलब स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन ये सब हो रखा है। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, यहाँ स्पॉन्डाइलो मतलब स्पाइन से रिलेटेड और आर्थ्रोपैथी मतलब डिजीजेज ऑफ ज्वाइंट। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादातर मेल्स में देखने को मिलता है। मेल और फीमेल रेशियो अगर देखें तो ये 3:1 होता है, मतलब मेल्स में 3 times ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और अगर एज की बात करें तो ये 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स की एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 15 से पहले नहीं हो सकता या 45 के बाद नहीं हो सकता, लेकिन 15 से लेके 45 के एज ग्रुप वाले ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। 15 से पहले अगर किसी को होता है तो इसको जुबेनाइल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। फीमेल्स में अगर ये होता भी है तो इसके सिम्टम्स लेस प्रोमिनेंट होते हैं। और हम इसके कॉजेज की बात करें तो ऐसे कोई नॉन कॉज नहीं है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। ऑटोइम्यून मतलब जहाँ आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वही आपकी हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगती है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसमें एक जीन होता है HLA-B27 जिसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल देखने को मिलता है। HLA-B27 पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनमें चांसेस होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने के। लेकिन ऐसा नहीं कि आप HLA-B27 पॉजिटिव हैं तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप ही होगा। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री है, आपको आपकी फैमिली में मम्मी पापा किसी को है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है वो होता है लोअर बैक एक। तो इसका स्टार्टिंग जो होता है बैक एक से होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी बैक एक होते हैं वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं। इसके बैक एक की कुछ पिकुलरिटीज़ होती हैं। पहला होता है कि ये बैक एक जो होता है रात में होता है, सोने के टाइम पे, रेस्ट के टाइम पे होता है। रात में भी जब अराउंड आप सुबह का टाइम होता है 3-4 बजे तब पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, नींद खुल जाती है इतना पेन हो जाता है। और इसके अलावा इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत देखने को मिलती है, सुबह में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा की आपको स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। और वो स्टिफनेस जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं या आप फिर गर्म पानी से नहाते हैं तो चली जाती है। इसके अलावा पेन होता है वो असेंडिंग टाइप पेन होता है, जब आपको स्टार्ट होगा तो लोअर बैक में स्टार्ट होगा, मोस्टली ये सैक्रो इलियक जॉइंट से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे लंबर वर्टिब्राज में, फिर थोरेसिक वर्टिब्राज में, उसके बाद कई बार सर्वाइकल वर्टिब्राज में भी पहुंच जाता है। इसके अलावा जो इसका पेन होता है, जो बैक एक होता है वो सैक्रो इलियक जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो इसका पेन आपको बटक्स में और ग्राइन रीजन में देखने को मिलता है। साथ में इसका पेन जो होता है वो पेन किलर्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, अगर आप पेन किलर ले लेते हैं तो आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी चक्कर में कई बार क्या होता है पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल निकल जाते हैं, वो कभी पेन हुआ तो पेन किलर ले लिया और ऐसे ही चलता जाता है, लेकिन इस टाइम में उनकी डिजीज जो होती है एडवांस स्टेज में पहुंचने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि फ्यूजन होने लग जाता है वर्टिब्राज का, उनके बीच में जो गैप होता है वो ख़त्म होने लगता है,
तो इस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल कर्वेचर होता है हमारी स्पाइन का, वो ख़त्म होने लग जाता है, वहाँ पे वो फ्लैट होने लग जाती है। इस कंडीशन को बैम्बू स्पाइन कहते हैं। जैसे आजकल ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी ये जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन सबको भी अफेक्ट कर सकता है। वहाँ पर भी स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन हो सकता है। इसके अलावा इसमें डैक्टोलाइटिस बहुत देखने को मिलता है। डैक्टोलाइटिस मतलब आपके फिंगर्स और टोज के जॉइंट्स की स्वेलिंग, पेन, पूरी आपके फिंगर और टोज स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा इसमें हील पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, जैसे कि एंटीरियर एक्यूट यूवेआइटिस। इसमें क्या होता है, आइज में रेडनेस हो जाएगी, पेन होने लगेगा और ब्लर विजन हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत अक्यूट प्रॉब्लम होती है, बहुत इजीली मैनेज हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो कई बार क्या होता है, विजन लॉस भी देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है सोरियासिस। इसमें सोरियासिस भी डेवलप हो जाता है, स्किन रैश डेवलप हो जाते हैं। थर्ड होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाता है, लोगों को लूज स्टूल, स्टूल के साथ ब्लड, ये सारे सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। तो ये सारे कुछ इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो 25-30% केसेस में देखने को मिलते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो बेसिकली आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बेस पे काफ़ी हद तक इसका डायग्नोसिस हो जाता है। अगर आपकी एज जो है 45 से कम है और आपको बैकएक रहता है कंटिन्यूस, जो रेस्ट करने पे बढ़ जाता है, या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हैं उसके बाद बढ़ जाता है, और ये 3 महीने से ज़्यादा के टाइम से हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैकएक हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में हम HLA-B27 का टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा CRP-ESR का टेस्ट करवाते हैं और एक्सरे और MRI करवाते हैं, हमारी स्पाइन कितनी इन्वॉल्व है ये पता करने के लिए। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है होम्योपैथिक मेडिकेशंस। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एक्सरसाइज। अगर आप 15-20 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं इनिशियल स्टेज में, उनको थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो एक्सरसाइज के साथ ही लाइफ टाइम उसको मैनेज करके रख लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ी, तब भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। एक्सरसाइजेस में आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल होता है। स्पाइनल एक्सटेंशन की जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। एक्सरसाइज के बाद दूसरा होता है डाइट। ऐसे इसमें डाइट का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है कि आप कुछ खाएंगे तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाएगा, या आप कुछ खाएंगे तो उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको बहुत हद तक हेल्प करता है, आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। तो डाइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें। उसमें आपका जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फैट जो है बहुत कम होना चाहिए। जितना हो सके आप बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ये सब अवॉइड कीजिए। दूसरा है कि आप बहुत ही अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, उसमें बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स में स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है कि आपको Omega-3 fatty acid रिच फूड लेना चाहिए। Omega-3 fatty acid प्रूवन है बॉडी में इन्फ्लेमेशन और जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको फाइट करने के लिए। Omega-3 fatty rich फूड्स जैसे कि फिश हो गया, सैलमन, टूना, इसके अलावा वॉलनट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब आप ले सकते हैं। फोर्थ है कैल्शियम रिच फूड। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट, हमारी बोन्स के लिए, हमारी हेल्दी बोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आजकल सबको पता है। तो आपको एक कैल्शियम रिच फूड लेना है जिससे हमारी जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे। उसमें आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, एलमंड ले सकते हैं, फोर्टिफाइड जो फूड्स आते हैं वो ले सकते हैं। तो इससे आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है आपकी कैल्शियम की वो पूरी होगी। फिफ्थ है विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। जो हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं उसको यूज में लाने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और इसका बहुत ही अच्छा सोर्स होता है डायरेक्ट सनलाइट। सी फूड ले सकते हैं, एग योक ले सकते हैं, फोर्टिफाइड जो फूड्स आते हैं विटामिन डी से वो ले सकते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
तो ये हो गई कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बातें। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो अगर आप इनिशियल स्टेज में, मतलब आपको अभी स्टार्ट ही हुआ है, उस टाइम पे आ जाते हैं तो एकदम मिरेकल की तरह काम करती है, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप लेटर स्टेज में आते हैं जहाँ पे आपके जो बोन्स हैं उनका फ्यूजन स्टार्ट हो गया है और आपको न्यू बोन फॉर्मेशन यानी ऑस्टियोफाइट भी होने लग गए हैं, तो इस टाइम पे आपको जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो करती है होम्योपैथी। सिम्टम्स जो आपके उससे आराम दिलाती है, जैसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, तो होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपके सिम्टम्स भी मैनेज कर लेती है और साथ में डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको भी रोकती है। तो होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट लेना है तो आपको किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथ से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, जहाँ पे आपकी प्रॉपर केस टेकिंग होगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो क्या चीज़ है जो ट्रिगर कर रहा है आपकी ऑटो इम्यूनिटी को, तो उस चीज़ का केस टेकिंग के बाद ही पता लग सकता है। उस हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट होता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइज करूंगी कि आप एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, किसी भी डॉक्टर को दिखाकर ही मेडिसिन लीजिए। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चलेगा और एक्यूट जो आपको पेन वगैरह होता है उसके लिए कुछ एक्यूट मेडिसिन चलती हैं। इसमें कुछ मेडिसिन है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के नेम मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि कालमिया, रेस्ट्रॉक्स, एस्कुलस, नक्सोमिका, नाइट्राम्यूर, कालीगार, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या सिम्टम है, उस हिसाब से मेडिसिन चूज की जाती है। साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी चलता है। तो फ्रेंड्स, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।